नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई यानी अंतिम जुलाई तक का समय कैसा रहने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 10 दिनों की समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वीडियो के लास्ट में धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, सूर्य देव जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, पूरे राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। देखिए, उनकी उपस्थिति आपके द्वादश भाव पर बनी रहने वाली है, तो वीडियो के लास्ट में दो सलाह के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, सूर्यदेव बुध और शुक्र के साथ इस समयावधि में आपके द्वादश स्थान पर प्रभावी रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति आपकी राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के सेकंड हाउस, वहीं राहुदेव आपके अष्टम भाव यानी आपके आयु भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। दोनों प्लैनेट वक्री रहने वाले हैं। इस प्रकार की जो ग्रही स्थिति है वो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। तो सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के मामले में व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में देवगुरु बृहस्पति और मंगल के दशम भाव पर मौजूदगी और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर बना हुआ रहेगा, तो यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। राशि के स्वामी आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में कार्य व्यवसाय में आपको एकाग्रता और निरंतरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें कोई भी अनुभव आपको नहीं है, ऐसे कार्यों में संलग्न होने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्तम भाव पर वक्री शनि की मौजूदगी रहने वाली है। साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी सिंह राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिल सकता है, इसलिए यहां पर भी आपको काफी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने या बेचने का काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आपका जुड़ाव है, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी जो हैं, वो आपकी राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और यहां पर जो आपकी राशि का जो धन भाव है
वो काफी ज्यादा मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है, क्योंकि धन भाव और लाभ भाव दोनों भाव के स्वामी आपके राशि के लिए बनते हैं बुध देव, जो आपके राशि के द्वादश भाव और आपके प्रथम भाव पर भी प्रभावी रहने वाले हैं। यहां पर आपके जीवन में एक और आमदनी में प्रबल वृद्धि आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। वहीं दूसरी ओर सिंह राशि वाले जातकों के खर्चों में वृद्धि काफी ज्यादा मिलने वाली है। राहु देव की उपस्थिति आपके राशि के अष्टम भाव पर बनी हुई है, तो सिंह राशि वाले जातकों को अचानक किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके कर्ज देने से बचना चाहिए। गलत निर्णय के वशीभूत होकर आपको धन का निवेश करते समय भी काफी सावधान रहना चाहिए। ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में धन का निवेश करते समय काफी सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन जो है आपका मिला जुला प्रभाव देने वाला है। सेकंड हाउस पर केतु की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, वहीं मंगल की अवस्था आपके लिए काफी श्रेष्ठ बनी हुई रहने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में परिवार जनों का सहयोग सिंह राशि वाले जातकों को जरूर मिलने वाला है, और सिंह राशि वाले जातकों घर के सदस्यों का सहयोग भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में पारिवारिक वातावरण काफी सुखद बनने वाला है। इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के मन में उत्साह की वृद्धि भी होने वाली है। देखिए, आपके सेकंड हाउस पर कई क्रूर ग्रहों का प्रभाव बना हुआ रहेगा, ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में व्यर्थ का हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। वाणी के द्वारा इस समयावधि में कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उस समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में यदि आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में और आपके दशम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, और इस समयावधि में जो शुक्र की उपस्थिति है वो आपके राशि के द्वादश भाव पर बनी हुई रहने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में समय काफी मिला जुला रहने वाला है। संबंधों में प्रगाढ़ता जरूर मिलने वाली है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं भी इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। बिना सोचे समझे इस समयावधि में आपको प्रेम जीवन में विशेष रूप से बदलाव करने से बचना चाहिए। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। दोस्तों, सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के देवगुरु की मौजूदगी जो है वो आपकी राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है, तो पूर्व समयावधि से चल रही वैवाहिक समस्याओं से निजात मिलने वाली है। सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, उनकी उपस्थिति ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में व्यवजय की कहा सुनी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी बातों को आप व्यक्त कर सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विशेष समन्वय बनाकर चलना वैवाहिक जीवन में बेहतर रहने वाला है। और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में समय, ये जो समय रहने वाला है आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। राशि के स्वामी आपके द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
और सेहत को लेकर आपको विशेष सावधानी, दिनचर्या में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को गलत खान पान का सेवन करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अनुशासन पूर्वक दिनचर्या बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभ कार्य रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस खास बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना होगा, आपके अंदर कई प्रकार की असीमित क्षमताएं मौजूद है, इसलिए किसी भी प्रकार की उलझनों में या किसी प्रकार के निराशा में आपको फंस कर रुकने से बचना चाहिए। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में निरंतरता जरूर बनाए रखने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। यानी सिंह राशि वाले जातकों को हार मानकर रुकने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अनुभवी लोगों की राय भी आपको जरूर लेना चाहिए। इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचना की आवश्यकता रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना काफी शुभ कार्य रहने वाला है। राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं तो सूर्य को यदि आप जलाभिषेक करते हैं और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।